एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आम का अचार, वो भी बहुत ही खास रेसिपी से। खास इसलिए क्योंकि इसी रेसिपी से मेरी दादी माँ अचार बनाती थी और सेम रेसिपी से अब मेरी मम्मा अचार बनाती है, जो कम से कम 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल सही रहता है। जिनको अचार बिल्कुल भी नहीं बनाना आता या जिनका अचार जनरली बिगड़ जाता है, वो भी इस अचार को बहुत आसानी से बनाएं और उनका अचार पूरे 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल सही रहे। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन यहाँ सवाल 1.5 साल का है, यानी कि हम इस अचार को बनाकर मिनिमम 1.5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर करूँगी ताकि आपका अचार बहुत ही परफेक्ट बने और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे भी बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो केरी ली है। केरी मैंने राजापुरी ली है। राजापुरी इसलिए क्योंकि उसका गुद्दा काफ़ी मोटा होता है और मोटा गुद्दा होने की वजह से ये केरी 1.5 साल तक भी नहीं गलती है। तो अचार बनाने के लिए नंबर 1 टिप है, आप राजापुरी केरी या कोई भी जो मोटे गुद्दे वाली केरी हो वो यूज़ करें ताकि अचार साल भर तक सही रहे। अचार की केरी जनरली चाकू से नहीं कटती है, उसे काटने के लिए एक अलग से सरोता आता है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैंने सब्जी वाले भैया से केरी कटवाई थी और आप देख सकते हैं केरी के छिलके के पास एक हल्की सी ब्लैक लाइन आई है, तो उसी सरोते से काटने की वजह से आई है। इसे हटाने के लिए हम केरी को पहले 2 बार अच्छे से वॉश करेंगे। अगर आप भी मार्केट से केरी कटवा कर लाएंगे तो इस पर हल्की सी ये लाइन आ जाएगी। उसे हटाने के लिए आप इसे पानी में डालकर अंगूठे या नाइफ से हल्का सा रगड़ें। ऐसा करने से आप देखेंगे केरी बहुत ही साफ़ हो जाएगी और अगर इस पर कोई गंदगी भी हो तो वो भी हट जाएगी। देख सकते हैं केरी कितनी क्लीन हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी सभी केरी को भी साफ़ कर लेंगे। इसे क्लीन करने में आपका थोड़ा समय ज़रूर जाएगा, लेकिन उससे अचार का रूप और स्वाद दोनों निखर जाएंगे। अब हम इसे सुखाएंगे। सुखाने के लिए मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आपके घर में धूप आती हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए धूप में सुखा दें और अगर धूप ना हो तो आप इसे फ़ैन के नीचे 2 से 3 घंटे तक सुखा दें ताकि एक्स्ट्रा पानी हट जाए। और ध्यान रखें आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना सुखाएं, अदरवाइज़ इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी। मैंने यहाँ फ़ैन चलाकर केरी को 2 घंटे तक सुखा लिया है। आप देख सकते हैं केरी के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, यानी अचार डालने के लिए केरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आप वीडियो में देख सकते हैं केरी बहुत रस भरी हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ी। तो इसी तरह आप ये टिप फॉलो करते हुए केरी को सुखाएं तो केरी का अचार बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब हम केरी को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे और मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और हम खाना खाने वाला चम्मच लेंगे ताकि आपको मेज़रमेंट करना बहुत आसान हो जाए। अब हम लेंगे 4 चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही साथ केरी जल्दी गलती भी नहीं है। 3 चम्मच हम पीली सरसों डालेंगे, इसे सरसों की दाल या राई की दाल भी कहा जाता है। अगर आपको ये इजीली ना मिले तो आप इसकी जगह काली वाली सरसों को भी दरदरा पीस कर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे 1.5 स्पून कलौंजी। जो लहसुन प्याज नहीं खाते वह कलौंजी को स्किप करें। अब इन सभी मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। भूनने से अगर मसालों में हल्की सी भी सीलन हो तो वो दूर हो जाती है ताकि अचार में फफूंद ना आए, इसलिए आप इन्हें ज़रूर भूनें। पर हाँ, ध्यान रखें आप इन्हें 1.5 मिनट से ज़्यादा ना भूनें, अदरवाइज़ इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और इनसे ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। इस तरह मैंने इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं मसालों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तैयार मसालों को एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और सेम पैन में ऑयल गर्म करेंगे। यहाँ मैंने 700 मिलीलीटर तेल लिया है, यानी कि 1 किलो केरी के लिए हमें 700 मिलीलीटर ऑयल चाहिए। अब इसमें 3 से 4 लौंग डालेंगे। लौंग डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। तेल को हम अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे अच्छे से गर्म करें और फिर जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप उसे अचार में डालें। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो जो हमने पहले मसाला भूनकर रखा था उसी में 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अचार के लिए आप मिर्ची पाउडर ताज़ा और अच्छे लाल कलर का लें, जिससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें 3.5 चम्मच नमक डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं तो आप 4 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और अब डालेंगे मेन मसाला जो है हींग। हींग आप अचार में ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सभी मसालों को पहले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें केरी डालेंगे और मसाला और केरी को मिक्स करेंगे ताकि हर एक केरी के पीस पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह आप चाहे तो चम्मच से या हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करते समय आप ध्यान रखिए बड़ा बर्तन लें ताकि यह अच्छे से मिक्स हो सके। कुछ ही समय में आप देखेंगे हर एक केरी अच्छे से मसाले से कवर हो चुकी है, यानी कि केरी और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं हर एक केरी पर मसाला अच्छे से लग चुका है। अब इसे और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को अचार में मिक्स करने से पहले आप चेक कर लें वह रूम टेम्परेचर पर आ चुका हो या फिर हल्का सा गुनगुना हो। ज़्यादा गर्म तेल को आप अचार में न डालें, अदरवाइज सभी मसाले जल जाएंगे और अचार का कलर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह मैंने हल्के गुनगुने तेल को अचार में डाल दिया है। अब हम मसाला और अचार और केरी तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो आप इसे थोड़ा सा लेकर टेस्ट करें ताकि अगर इसमें कोई भी मसाला या नमक कम हो तो आप अभी मिक्स कर लें। वैसे इस अचार में सभी मसाले और तेल बराबर क्वांटिटी में है, तो अब हम इसे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आप इस तरह का कोई भी कांच की भरनी या कंटेनर लें। अचार डालने से पहले आप ध्यान रखें कांच की भरनी को अच्छे से वॉश करके सुखा लें। उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी तरह की स्मेल। तो यहाँ मैंने भरनी को बहुत अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ अचार डालेंगे। अचार को आप हमेशा कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी की जो भरनी आती है स्पेशली अचार के लिए, उसी में रखें। अचार को आप स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में न रखें, अदरवाइज़ वह जल्दी ही ख़राब हो जाता है और अचार का कलर भी बिगड़ जाता है। तो अब आप जल्दी से इस अचार की रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिए और करीब 1 से 1.5 साल तक इस अचार का लुत्फ उठाइए। अचार बनाने के लिए कुछ मेन टिप्स हैं, जैसे कि 1, आप अचार के लिए जो केरी यूज़ करें अगर पॉसिबल हो तो राजापुरी केरी लें, और अगर राजापुरी अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी मोटे दल वाली केरी यूज़ करें। 2, केरी को अच्छे से सुखा दें, यानी कि उस पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और उसे बहुत ज़्यादा भी ना सुखाएं ताकि उसका मॉइस्चर और रस अंदर का ख़त्म ना हो। 3, आप जो मसाले यूज़ करें उन्हें बिल्कुल भी सीलन ना हो, इसके लिए आप उन्हें या तो हल्का सा भून लें या उन्हें धूप में सुखाकर फिर यूज़ करें ताकि अचार में फफूंद ना आए। 4, अचार के लिए आप जो तेल यूज़ करें उसे धुआं निकलने तक अच्छे से गर्म करें और फिर जब वह रूम टेम्परेचर पर आ जाए या हल्का गुनगुना रहे तभी उसे अचार में डालें ताकि अचार का कलर ख़राब ना हो। और 5, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, आप जिस भी भरनी में अचार रखें उसमें आप तेल ऊपर तक रखें, यानी कि अचार तेल में डूबा हुआ रहना चाहिए। अगर अचार के ऊपर तेल की परत ना हो तो उस पर फफूंद आ सकती है, इसलिए आप जब भी अचार निकालें उसके बाद तुरंत ही हर एक केरी को तेल के नीचे डुबो दें। इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि आप अचार को यूज़ करते जाएं और हर बार यूज़ करने के बाद उसे वापस उसी तेल में डुबो कर रखें, जिससे अचार 1.5 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत लोग अचार में विनेगर भी डालते हैं जिससे अचार ख़राब ना हो, लेकिन अगर हम इन सब टिप्स को फॉलो करते हुए अचार तैयार करते हैं तो यकीन मानिए 1.5 साल तक हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी से घर पर अचार बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट दिख रहा है। ये अचार जस्ट अभी बना है। जब आप इसे 2 दिन के बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि अचार और ज़्यादा परफेक्ट और रसीला बन चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे भी बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।